हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 5, जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन का सॉल्यूशन नंबर 4। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 तक मैं इसकी वीडियो बना चुका हूं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है इस चैप्टर की, तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख ले। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड होगा, नहीं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको प्रॉपर ऑर्डर में वीडियो अवेलेबल होगी। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सॉल्यूशन को। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है, जिसमें हमें 3 ट्रांजेक्शन की अकाउंटिंग इक्वेशन करके दिखानी है। अब एक बार फॉर्मेट को समझ लीजिए। अकाउंटिंग इक्वेशन का जो फॉर्मेट होगा वो इस तरीके से होगा, सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शन, एसेट, थोड़ा इक्वल का साइन दूर करके आप लगाएंगे और इक्वल के बाद लिखेंगे लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब इसके बाद पहले ट्रांजेक्शन आपको क्या गिवन है, पहले ट्रांजेक्शन में जो आपको गिवन है उसमें किस चीज की बात हो रही है, कैश की बात हो रही है, स्टॉक की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे आपको एसेट में वो सारे एसेट लिखने होंगे जो इन तीनों ट्रांजेक्शन में बात हो रही होगी। तो हमारे क्वेश्चन में कैश, स्टॉक और फर्नीचर की बात हो रही है, लाइबिलिटी में हमारी क्रेडिटर की बात हो रही है, कैपिटल तो कैपिटल होता ही है। अब पहले ट्रांजेक्शन हमें क्या गिवन है, पहले ट्रांजेक्शन गिवन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज एंड गुड्स रुपीज 20,000। तो देखिए बिजनेस स्टार्ट किया गया है 1 लाख रुपए की कैपिटल के साथ और 20,000 रुपए के गुड्स के साथ बिजनेस को शुरू किया गया है। तो यहाँ पे 1 लाख रुपीज तो आप कैश में लिख दीजिए, 20,000 रुपीज के क्या हो गए, गुड्स हो गए, और टोटल कितना हो जाएगा कैपिटल में, 1,20,000 रुपीज हो जाएगा। जहाँ पे उस ट्रांजेक्शन का कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहां पे 0 मेंशन कीजिए। तो इसका इम्पैक्ट 3 जगह हुआ है, एक तो 1 लाख रुपए कैश में लाए गए हैं, दूसरा 20,000 रुपए का स्टॉक है, दोनों को प्लस करेंगे तो 1,20,000 रुपीज को आपको कैपिटल में लिखना होगा। इसके बाद आपको दोबारा इसको टोटल करके नोट डाउन करना होगा, 1 लाख कैश में आएगा, स्टॉक में 20,000 आएगा, फर्नीचर में 0 आएगा, क्रेडिटर में भी 0 आएगा और कैपिटल में 1,20,000 आएगा। सेकेंड ट्रांजेक्शन जो हमारी है वो है सोल्ड गुड रुपीज 10,000 फॉर रुपीज 12,000। देखिए यहाँ पे सेल हुई है, कैश में सेल हुई है, 10,000 के गुड्स को 12,000 में बेच दिया गया है। तो इसका इम्पैक्ट भी 3 जगह होगा, एक तो देखिए 12,000 रुपीज बिजनेस के पास पैसा आया तो कैश में प्लस कर दीजिए, 10,000 रुपए की गुड्स की सेल होगी तो 10,000 रुपए आपको स्टॉक में से माइनस करने होंगे, और प्रॉफिट कितने का है, 2,000 रुपए का, तो 2,000 रुपए आप कैपिटल में प्लस कर दीजिए। तो इसका इम्पैक्ट भी 3 जगह होगा। अब इसका हुआ है तो अब इसको टोटल कीजिए, कैश में टोटल हो जाएगा आपका 1,12,000, स्टॉक में माइनस करने पे आपके पास आएगा 10,000, फर्नीचर में 0 आएगा, क्रेडिटर में भी 0 आएगा और कैपिटल में हो जाएगा आपके पास ये 1,22,000 रुपीज। अब लास्ट ट्रांजेक्शन हमें क्या गिवन है, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट रुपीज 30,000 की फर्नीचर परचेज किया गया है, वो भी उधार में 30,000 का। तो इम्पैक्ट 2 जगह होगा, एक तो हमारे पास फर्नीचर इंक्रीज हो गया, फर्नीचर में आप लिख दीजिए 30,000 रुपीज, और दूसरा उधार में परचेज किया गया है तो हमारे पास क्रेडिटर भी इंक्रीज हो जाएंगे 30,000 से। जहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहां पे 0 मेंशन करना है। अब फिर आपको टोटल करना है तो टोटल करके कैश में आएगा 1,12,000, स्टॉक में आएगा 10,000, फर्नीचर में 30,000 आएगा, क्रेडिटर में भी 30,000 आएगा और कैपिटल हमारा होगा 1,22,000 रुपीज। अब आपको करना क्या है, आपको टोटल करना है, आपका एसेट साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए लाइबिलिटी और कैपिटल के। तो इस केस में हमारा एसेट साइड का टोटल और कैपिटल प्लस लाइबिलिटी साइड का टोटल इक्वल है, हमारा कैपिटल और लाइबिलिटी साइड का टोटल है 1,52,000 और एसेट साइड का टोटल भी 1,52,000। तो हमारे केस में एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड इक्वल है। तो आज के लिए इतना ही, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।